और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फट गई है उसकी चाली से। रहे हैं लेके खरीद के घर पे रखना तो सबको आता है, तो समझ ही गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ तो, आप लोग जितना ज़्यादा वीडियोस में कमेंट करेंगे उतना मेरा रीच बढ़ेगा, उतना लोग मेरी वीडियोस को देखना प्रेफर करेंगे। मजा नहीं आ रहा है। गाइस दिस इज वेरियन बैन अल्फा, आप देख रहे हैं बैन अल्फा व्लॉग्स। आज है हमारी दुकानी पैनी गैले V4S का जन्मदिन और इसको हार्दिक शुभकामनाएं एक साल समाप्त होने के लिए या एक साल की शुरुआत होने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं इसमें छोटा मोटा काम करवाने के लिए, बिकॉज बर्थडे है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कराना बनता है, कुछ गिफ्ट देना तो बनता है। हमने एक बहुत बड़ा गिफ्ट मंगा रखा है बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो गिफ्ट लंदन से आ रहा है, तो हमने कहा आज के दिन थोड़ा बहुत कुछ ना गजब बेइज्जती है, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, कुछ तो करना चाहिए। सो दैट ये एक इमोशन होता है यार, ये सारे लोग नहीं समझते ये बातें, लोगों को लगेगा मजाक चल रहा है, कौन पागल है बाइक का बर्थडे क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता क्या, मना रहा है क्या, कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर वो इंसान समझ सकता है जिसने मेहनत से कमाई है, जिसने मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के ये सुपर बाइक ली है या कोई भी बाइक ली है, वो मेरी बात को समझ सकता है। और बस यही है भाई, इसी दिन को मनाने के लिए हम जा रहे हैं और देखते हैं, आप लोग भी देखो थे। अरे यार मेरे पे फेंक दे साला बहनचोद, क्या करूं मैं, मर जाऊं, पानी पी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी पी, तुम्हारी फीलिंग। तो ये बाघ डोगरा है, मुझे एक भाई का कमेंट आया था बाघ डोगरा स्कूल के रिएक्शंस लो, तो भाई मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली ये स्कूल है कहाँ पे, वरना हम वो रिएक्शंस भी आपके लोगों के लिए ले लेते। तो अभी चलो जल्दी से इस पे काम करवाते हैं और फिर वापस आते हैं और एक केक काटते हैं, डुकाटी का केक। तो गाइस फुटेज बढ़िया आ रही है, आवाज़ बढ़िया आ रही है, अब चलो चलें मितवा। भाई आप लोगों ने स्पीडोमीटर देख लिया, आप थोड़ी सी अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करो और इसको माइल्स में को किलोमीटर में कन्वर्ट करो और सोच लो कि भाई कितना था क्या था। तो रहन दो, तो आगे का वेदर देखो भाई, क्या ही क्रेजी वेदर हो रखा है सामने। और बस अभी चलते हैं बिकॉज वो मेरे लिए एक अच्छी सी बाइक ढूंढ रहे हैं, और सिंस मैंने आपको बताया था कि जैसे जट भाई ने भी वहाँ से बाइक ली है, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है मैं छोटा सा बताता हूँ, बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। तो इसके प्रोसेस में क्या रहता है, आपको नेपाल का ही कोई रेजिडेंट चाहिए जिसके नाम पे बाइक ट्रांसफ़र हो सकती है। ये तो एम्बुलेंस वाले को गाड़ी चलानी नहीं आती है, बकवास करे जा रहा है, इतनी जल्दी तो आगे रोड खाली है, जल्दी लेके जा, लेके जा नहीं रहा, फालतू बकवास कर रहा है मेरे साथ, जो पूरी रोड खाली पड़ी है तब तो चला नहीं रहा, बंदा अंदर है वहाँ पे उसका क्या करे। ये वाला भी एम्बुलेंस वाला है, एम्बुलेंस को तो अलाउड है, राइट ऑफ वे है उनको, रॉन्ग साइड से जाना भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, तो इतनी धीरे चला के तू कैसे जान बचाएगा किसी की। प्रोसेस क्या रहता है,
कि आप बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आपको किसी ऐसे बंदे के नाम पे बाइक ट्रांसफ़र करनी है जो वहीं के रेजिडेंट हैं, वहीं के रेजिडेंट मतलब जो नेपाल के रेजिडेंट हैं। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो नेपाल से हैं, अभी उनसे कॉन्टैक्ट चल रहा है मेरा, एंड वो उन्हीं के नाम पे बाइक हो सकती है, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एंड कुछ होंडा वगैरह की जो बाइक्स हैं, क्योंकि होंडा का यहाँ पे सर्विस वगैरह है इंडिया में, तो उसके लिए हमें एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ता है। एंड वो सारे प्रोसेस मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगा, सो दैट यू नो। एंड मेरे बाद भी फ्यूचर में अगर कोई इंसान लेना चाहता है तो वो डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो ओपन करके ही विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ आइडिया। तो मेरा मेन रीज़न ही यही था कि यूट्यूब जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है कि मैं लोगों को वो सारी चीज़ें सिखा सकूं जो नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं मिल रही हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, या अभी तक लोगों ने नहीं डाली है। जैसे मैंने खुद अपना मिरर लगाना था डुकाटी का, तो मैंने बहुत ढूंढा यार, बहुत ढूंढा कि स्टॉक मिरर लगाने के लिए मिल जाए, बिकॉज मेरी उंगली में लगी हुई थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मेन नट कौन सा है, थ्रेड नट कौन सा है। बट भाई कोई नहीं मिला, एक भी वीडियो नहीं है। रिज्यूमो की लगाई हुई 1000 वीडियोज है, पर वापस स्टॉक लगाने के लिए एक भी वीडियो नहीं है। तो वो वीडियो भी मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, सो दैट अगर मेरे बाद भी कोई इंसान डुकाटी V4S लेता है फ्यूचर में एंड वो जानना चाहता है कि भाई उसमें कैसे फिटिंग होती है, क्या होता है, प्लग इन प्ले है, इंडिकेटर्स क्या है, कोड कैसे हटाने हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग से वो समझ सकता है। तो ये एक रीज़न था एंड इसी कारण से मैंने यूट्यूब में कदम रखा। ठीक है, मैं क्यूट गर्ल रिएक्शन और ये बाकी वाली वीडियोज़ नहीं बनाता, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई, नहीं बनाता। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनानी, और जो चूतिए लोग हैं उनको नंगा करना, अपने दो ही वो हैं ये हाथ हटाने पे दिखता है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह कर लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और धुलवानी भी है, बहुत टाइम से धोई नहीं है। एंड और भी अगर किसी को डुकाटी के बारे में जानना, हाँ एक भाई ने मुझे ये भी कहा था कि भाई इसके सीट हाइट के बारे में बताओ कि सीट हाइट कितनी है, तो उस पर एक स्पेशल ब्लॉग आ रहा है जिसके हिसाब से मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा 2-3 तरीके के हाइट वाले लोगों को ला के बिठा के कि भाई कितना पैर आता है, कितना नहीं आता है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। तो भाई बस अपना सपोर्ट वगैरह दिखाते रहो भाई, 10,000 हो गए हैं, धीरे धीरे 20,000। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। 100K पूरा करो, 100K पे इतना बड़ा सरप्राइज आएगा, इतना बड़ा सरप्राइज आएगा कि भाई मैंने आप लोगों को बताया यार, YouTube पे ऐसी बिल्ड सीरीज स्टार्ट करनी है कि भाई लोगों ने देखी ना हो कि यार एक बाइक ऐसी भी क्रिएट हो सकती है, और यही मेरा पैशन है और इसी को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। बट आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना ज़्यादा वीडियोस में कमेंट करेंगे उतना मेरा रीच बढ़ेगा, उतना लोग मेरी वीडियोस को देखना प्रेफर करेंगे। तो आप लोगों से भाई सिंसियर रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी वीडियो देखो एक दो कमेंट छोड़ दिया करो वीडियो में, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहे एंड मैं आप लोगों के लिए रेगुलर अच्छी वीडियोज़ डालता रहूँ। एंड बस यही प्यार चाहिए भाई, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ पर मैं लोगों का मुँह बंद कर सकता हूँ। तो भाई बैरन आर्मी, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे से, मैं तो चलो कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके दिखाना पड़ेगा कि आप सच्चे बैरन आर्मी वाले हो, बिकॉज कमेंट तो हर कोई इंसान करता है बट जो दिल से कमेंट करता है वो दिखता है। ठीक है, देखो जिप जुप बंद कर लो, ग्रोसीना को कुचल देना है, कुछ साल में कुचल देना है भाई। और आज मेरी ये अपना धनंजय भाई जो ड्राइवर भाई हैं उनसे भी बात हुई है, तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं हम दोनों, तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। उसके बाद देखो भाई ऐसा सीन क्रिएट करेंगे ना इंडिया में, ऐसा सीन क्रिएट करेंगे इंडिया में। बढ़िया, आप कैसे हो? ऐसी सिटी राइड, यार ये GoPro के सिर्फ यही फायदे नहीं है कि तुम मोटो ब्लॉग कर लो, कुछ कर लो, आगे अगर बंदा कोई तुम्हें बोले कि यार तुम ओवर स्पीड थे, ये था वो था, तो तुम वो भी दिखा सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मेरा मोटो कैमरा चेक कर लो, इससे ज़्यादा स्पीड है ही नहीं। तो ये चीज़ों में भी एविडेंस जिसको बोलते हैं एविडेंस एक्ट के तहत आपको अलाउड है। एंड बस यही है भाई, छोटा छोटा ज्ञान लेते रहो और तरक्की करते रहो लाइफ में। तो अच्छा लगता है यार जब लोग आगे से एक्नॉलेज करते हैं, बाइक की तारीफ करते हैं। आप लोग बताओ कैसा लगता है, मतलब आप लोगों को सामने से अगर ऐसे दिखे तो कैसा लगता है, मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से कैसा लगता है कि भाई आज
आज ना डुकाटी देखी, आज तो मजा ही आ गया, आज ये हुआ, आज तो वो हुआ, ऐसा वाला जिस जिसके साथ अगर कभी कुछ हुआ है तो यार कमेंट में बताओ, हमें भी अच्छा लगेगा ऐसी स्टोरीज वगैरह देख के। एंड बहुत लोगों तो मुझे वैसे ही DM में बात करते रहते हैं कि बेशक आपके 10 फॉलोअर हों, 20 हों, बट मैं बात करता रहता हूँ आप सबसे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके साथ कनेक्ट होने पे। एंड बस यही है गाइस, अभी थोड़ा देखते हैं कि ये कितना दूर है जहाँ मैं जा। तो भाई लोग जैसे आपने देखा सतपीत भाई आ गए, पीछे लगा रखी है आग बहुत सारी है, भैया को दिखाते हैं तो भी निकलते हैं यहाँ से और जाके बाइक को काम कराते हैं और स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। देखो ये देखो दोनों ने निकाल रखा ये देखिए यहाँ पे चक्का जाम हो गया भाई फुल। भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ तो साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। वो मामा देख रहे हो, वो मामा अपना सिस्टम है, आपका है ना, मेरा सिस्टम नहीं है वो। कोई नहीं जाते हैं करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेरा लाइन है, मैं कह रहा हूँ आप ही हो, आप ही लग रहे हो हीरो। है ना सिंह भाई? हाँ, कैसा लगा? बढ़िया। छोटे बाबू तुम ही नहीं बा, अरे बाबे तुम ही नहीं बा, डिलीवरी का छोटे बाबू जाते हुए करूंगा, वो सामने पुलिस वाले है ना, फालतू में आ जाएंगे। कहीं भी करो पूरा हिलेगा। हाँ अरे यार अंकल ये टूटी हुई उंगली यूज करा के मानोगे? दुकान घर गया हुआ था बहुत यार, मैं तो पागल हो गया पकड़ पकड़ के। देख तू कहाँ घर गया था, घर गया था खाना खाने? चल चल लीड कर लीड कर। अच्छा भाई बता रहा है कि यहाँ का गुरुद्वारा है ये।
यहाँ पे, इसको ये पहले तो वॉश करना था, थोड़ा रैप करना था, किस पार्ट पे करना, थोड़ा सा फेयरिंग पे, थोड़ा सा विंगलेट पे और टेल पे। हैं आगे यार डेकल्स में तो काम हुआ नहीं क्योंकि इनका जो बंदा रैप करता है वो जा रखा है, तो अभी हम दूसरी शॉप जा रहे हैं क्योंकि आज ही कराना है। और आप रिएक्शन देखो सिलीगुड़ी के, सिलीगुड़ी के डुकाटी रिएक्शन रहे हैं, सिलीगुड़ी के डुकाटी रिएक्शन। क्या है भाई, गर्मी गमी 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 गमी। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ यहाँ पे क्या काम करते हैं भाई? एक प्यारे से भाई मिल गए थे जो डुकाटी सुपर स्पोर्ट की डिलीवरी में आए थे, वो बातचीत कर रहे थे, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो भाई। और गए अगर इसके पूरे सिस्टम पे भी ब्लॉग चाहिए कि भाई DES क्या है, DQS क्या है, ये सारी सेटिंग्स क्या क्या हैं, उस पे भी अगर ब्लॉग चाहिए तो भाई कमेंट में बताना, ये ब्लॉग भी बनाएंगे जल्दी से एंड आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी देंगे फुल भाई, बैठ के आराम से 2 घंटे लगा के बढ़िया वाला एक एक चीज़ समझाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या ज़रूरत है। बिकॉज़ हम बाकी छपरी मोटो ब्लॉगर्स की तरह नहीं है ना, आप लोगों को पता ही है, हम इंफॉर्मेटिव ब्लॉग दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि भाई क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या होती है बाइक में। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सारे हैं, लेके ख़रीद के घर पे रखना तो सबको आता है, तो समझ ही गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेके चलाओ ना, गूदा रखो चलाने का, क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत ही लीचड़ इंसान है, लीचड़। देखिए इतनी खुली रोड, वो भी सिलीगुड़ी में, और ये लो बारिश के पटाखे शुरू हो गए। So it will soon start raining cats and dogs. तो इसी मोड में धीरे धीरे चलते हैं। बारिश मूड खराब कर देती यार, बहुत ज़्यादा मूड खराब कर देती है।